और तीनी भंजन को एक संपट लगो तो सुंदर कांड के संपट जोन बड़ा भैया है तो सो एक संपट लगो तो आपके मुंह में कछु बात कर तो आपके मुंह में कि भज्जा कितने आ गए थे कि हारे आ गए थे आपके मुंह में पानी देखे आए आपके मुंह में मतलब सुंदर कांड के संपट लगो तो जो ने दूसरा भैया तो मज लो वा उगे संपट लगो तो आपकी दुआ से कि काय भज्जा कितने आ गए थे कई खेत भे गए थे आपकी दुआ से और जो ने हल्को भज्जा है तो उगे एक आदत थी कहवे की जूता खाके का आदत थी जूता खाके सो भज्जा उनके घर में हो गई भड़ियाई चोरी हो गई जैसे ही चोरी हो गई सुनकी घरवाई बोली जब तीन ही भंजन को संपट लगे तो सुनकी घर भंजन को संपट लगे थे तो वह कहने रिपोर्ट तो लिखवाया और रोके सो बड़ो भज्जा को थानेदार ने रिपोर्ट लेके सो कहन लगे साहब रिपोर्ट लिखो आपके मुंह में दरोगा चौंको कल्लो बेंचो यसो केसो मुजरिम वो कहले चुप चुप अरे कहले चिल्ला रहे आपके मुंह में सीधे सीधे रिपोर्ट लिखो आपके मुंह में दरोगा समझेगा कि खवा दिया है सो उन्हें लेके कछु नहीं की कल्ले हां लिख रहे इतने में पहुंचे दूसरा भज्जा थानेदार पहुंचे साले जब चोरी होती तुम लोग कहां गए थे वो कहले साहब मोड़ मोड़ा भैर आ गया आपकी दुआ से कल्ले हमारी दुआ से कल्ले अब तो भूगन मन में आपकी दुआ से दरोगा सब फिर समझ गए साले इसको भी याद आता है अब जांच पड़ताल तर करवे जैसी घरे पहुंचे उधनी के थे उतने में लगा हल्को भज्जा कल्ले साले चोर कहां से आया था सो कल्ले साहब ई तरफ से आ तो आपके मुंह में दरोगा साहब बोले मेरे मुंह में कल्ले ई तरफ तो आ नहीं सकता आपके मुंह में काहे के ई तरफ तो बाथरूम बनी आपके मुंह में दरोगा साहब बोले बाथरूम हुआ है और कल्ले साहब अगर वो बेदगा हुआ है आपके मुंह में अरे तो कल्ले हमने इतने लठ दया है आपके मुंह में कहिए को ताह तो नहीं बच हुआ है आपके मुंह में बजा है बार दो लगा